Herkesin oğlum. Zulfiye. रफीक साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी साहब, जिंदाबाद अशोक कोल साहब, जिंदाबाद रफीक साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। असली शेरा आ गया, बाका बाका नकली शेरा, जिंदाबाद श्री अशोक कोल साहब, जिंदाबाद रफीक साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रफीक साहब बेरदा ना शाट गा नेर शाट गा नेर सर छाका से छाका। इसको मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, आपने बिहार में भी महागठबंधन देखा है, वो रिजल्ट जब देखा तो रिजल्ट क्या आ गया। इसी तरह जम्मू कश्मीर में जो डीडीसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसका रिजल्ट जब आएगा तब इनको पता चलेगा कि महागठन इसके गुकर गैंग के साथ लोगों को काफी नफरत है, क्योंकि यही लोग है जिन्होंने यहाँ पे गन क्रिएशन किया है। 87 में राजू फारूक अगाड़ था, उस कारण 1.5 लाख लोग की मृत्यु हुई है। ये कांग्रेस और नेशनल की सरकार जब थी 128 बच्चे शहीद हो गए, उसके भी जिम्मेदार यही लोग हैं। हमारा कोई चीफ मिनिस्टर यहाँ नहीं था। जितने भी यहाँ पे डैमेज हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है, इन्हीं पार्टियों के द्वारा हुआ है। और आज देखो इन्होंने खानदानी राज इसको बनाया है। आप देखो हर जगह पे अपने बच्चों को मैदान में उतारते हैं, क्यों उतारते हैं? आम गरीब को दे दो ना जगह, दूसरे बंदे को लाओ ना सामने, उसका हक नहीं है क्या सियासत करने का और नेतागिरी करने का? अपने बच्चों को ही ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये टोटली गलत है। हम इसके खिलाफ है, खानदानी राज के खिलाफ है। हमने आज जो ये DDC का इलेक्शन होने जा रहा है, हमने हर एक गांव में एक MLA तैयार किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का देन है, क्योंकि हम आम लोगों के आम व्यक्ति के हाथ में पावर देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 7 साल ने हमने जो योजनाएं लॉन्च की है, उनका हर किसी घर तक उसका बेनिफिट मिला है। उस कारण लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो लोग हमारे साथ हैं, वो हमारे को बिल्कुल चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। तो और इंशाल्लाह रहमान वो हमारे फेवर में वोट डालेगा, और जो ये गुपकार वाले हैं इनको चैलेंज करके ये लोग ठुकरा देंगे।